दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका आंसर एक जीनियस माइंड ही दे सकता है। अगर आप एक जीनियस हो तो आप उसका आंसर दे पाओगे, और अगर नहीं दे पाए तो भी कोई बात नहीं, आप जीनियस बन सकते हो। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। दोस्तों एक लड़का था जिसका नाम था प्रेम। वो एक दिन मार्केट गया, तो जब वो मार्केट गया तो उसके पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। तो उसने सोचा कि यार अगर मुझे अपना कोई दोस्त मिल जाए तो मैं उसे उधार ले लूँ। तो उसे उसका एक दोस्त मिला जिसका नाम था सचिन। तो उसने सचिन से कहा कि यार मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए, मैं मार्केट आया, मुझे शॉपिंग करनी है। तो सचिन ने उसे 1000 रुपये उधार दे दिए। ठीक है, अब उसने सचिन से 1000 रुपये लेकर के वो आगे चला। तो उसने सोचा कि यार 1000 रुपये से क्या होगा, मुझे जितनी चीज़ें लेनी है वो 1000 रुपये में नहीं आ पाएंगी। मैं एक काम करता हूँ, एक दोस्त से और उधार ले लेता हूँ। तो उसे आगे जाकर के एक दोस्त और मिला उसका, जिसका नाम था पृथ्वीराज। तो उसने पृथ्वीराज से कहा कि यार मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए, प्लीज़ मैं वापस लौटा दूंगा। तो उसके दोस्त पृथ्वीराज ने उसे 500 रुपये उधार दे दिए। तो उसने टोटल दोनों दोस्तों से कितने रुपये उधार लिए? सचिन से उसने लिए 1000 रुपये उधार, और पृथ्वीराज से उसने लिए 500 रुपये। तो टोटल हो गए 1500 रुपये उसने उधार ले लिए अपने दोनों दोस्तों से। अब वो एक शॉप पर गया, कपड़ों की दुकान पर गया, जहाँ पर उसे कुछ टी शर्ट खरीदनी थी। तो उसने वहाँ पर एक टी शर्ट पसंद करी और दुकानदार वाले भैया को कहा कि मुझे ये टी शर्ट चाहिए। तो दुकानदार वाले भैया ने उसे कहा कि इस टी शर्ट के 300 रुपये लगेंगे। तो उसने कहा ठीक है, मेरे पास रुपये हैं, मैं दे दूँगा। तो उसने जैसे ही प्रेम ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसने देखा कि जो 1000 रुपये सचिन से उसने उधार लिए थे वो कहीं गिर चुके हैं, वो गुम हो चुके हैं। तो उसके पास अब सिर्फ 500 रुपये बचे थे। तो उसने उन 500 रुपये को उस दुकानदार को दिया और कहा कि ये लो 500 रुपये और मुझे टी शर्ट दो। तो दुकानदार वाले भैया ने क्या किया, उन 500 रुपये में से 300 रुपये टी शर्ट के काट लिए और 200 रुपये उसे वापस दे दिए। तो प्रेम ने क्या किया, वह 200 रुपये लेकर के घर आ गया और उसने सोचा कि यार चलो अब मैंने उधार तो ले ही लिए अपने दोस्तों से, 1500 रुपये वापस तो देने ही हैं, तो एक काम करता हूँ अभी मेरे पास जितने हैं उतने तो उन्हें दे ही देता हूँ वापस। तो उसने अपने दोनों दोस्तों को अपने घर बुलाया, सचिन को और पृथ्वीराज को, और सचिन और पृथ्वीराज को उसने दोनों को 200 रुपये के आधे आधे दे दिए, यानी कि 100-100 रुपये दोनों को दे दिए, 100 रुपये सचिन को दे दिए और 100 रुपये पृथ्वीराज को दे दिए। उसके बाद में अब आप बताइए कि सचिन जो है वो अब और कितने रुपए मांगेगा उससे, प्रेम से 900 रुपये और मांगता रहेगा, ठीक है, और पृथ्वीराज उससे कितने रुपए और मांगेगा, वो 400 रुपये मांगेगा, ठीक है। तो टोटल दोनों मिलाकर के कितने रुपए मांगेंगे उससे, कितने रुपए उसके उधार बचे हैं दोनों में, 900 + 400 1300 रुपये, ठीक है, क्लियर है। तो 1300 रुपये तो उसे उन दोनों को देने हैं और 300 रुपये की उसके पास ऑलरेडी टी शर्ट पड़ी हुई है। तो 1300 + 300 टोटल 1600 रुपये कैसे हो रहे हैं, यहाँ पर ये 100 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं? टोटल रुपये तो उसके पास 1500 ही थे ना, 1500 का हिसाब था, लेकिन 900 रुपये देने सचिन को, 400 रुपये देने पृथ्वीराज को, तो 1300 तो ये, और 300 रुपये की उसके पास टी शर्ट पड़ी है, यानी कि 300 रुपये वो। तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं 1300 + 300 तो ये 1600 रुपये हो रहे हैं। तो ये 100 रुपये बीच में ये जो कहाँ से आ रहे हैं इसका आप मुझे बताइए। तो मैं आपको टाइम देता हूँ 20 सेकंड का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टाइमर। तो आई होप आप सब ने गेस कर लिया होगा और आप सबको आंसर पता होगा। इस पहेली का आंसर, इस रिडल का आंसर ये है कि जो टी शर्ट हमने ली है ना 300 रुपये की, वो उन्हीं के पैसों से ली है। किसके पैसों से? सचिन और पृथ्वीराज के पैसों से ही ली है। तो ये जो रुपये 300 है ये पहले से उनमें इंक्लूडेड है, उनके पैसों में 900 + 400 1300 में पहले से इंक्लूडेड है, और 200 रुपये हमने उनको दे दिए हैं। तो 1300 + 200 रुपये टोटल 1500 का हिसाब सीधा बैठता है। इसका मतलब ये पहले से उसमें इंक्लूडेड थे, ये जो पैसे हैं ना टी शर्ट के, ये उसमें पहले से इंक्लूडेड थे, इसलिए हम इनको टी शर्ट वाले पैसों को 1300 रुपये में नहीं जोड़ सकते। ये है इसका आंसर। तो आई होप आपको ये रिडल पसंद आया होगा, और अगर ऐसे ही कुछ क्विजेस या रिडल्स आपको चाहिए फ्यूचर में तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।